नमस्कार। आज से आरएसटीवी एक और स्पेशल सीरीज शुरू कर रहा है। मौका है हमारे संविधान की 70वीं सालगिरह का। इसे संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को इसी दिन हमने अपने संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था, यानी अडॉप्ट किया था। तो जनाब, मौका है दस्तूर भी। हम आपको ले चलेंगे बीते दौर में, देखेंगे बुनावट इस बेमिसाल सर्वकालिक कृत्य की, टटोलेंगे उन पलों को जिन्होंने इसे गढ़ा, मीमांसा करेंगे उन पड़ावों की जिनसे गुजरकर यह मजबूत और मुकम्मल हुआ। इस सीरीज को हमने नाम दिया है संविधान सफर 70 बरस का। इसकी कई कड़ियां आएंगी, तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड से, जिसमें संविधान के इतिहास को टटोला गया है। इसमें कुछ बुनियादी जानकारी है और कुछ नई। उम्मीद है इस स्पेशल सीरीज को भी आपका स्नेह मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी कुछ बुनियादी सवालों और जवाबों से। 26 जनवरी और 15 अगस्त की गाथा तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम में से शायद ही ऐसा कोई हो जो इस सवाल में कभी फेल हुआ हो। तो सोचा लगे हाथ 26 नवंबर की जानकारी भी जनता से ली जाए। देखिए हमारी कैमरा टीम को क्या सुनने को मिला। 26 नवंबर, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम है अपना, वो बन के तैयार हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर, ये तो मुझे भी नहीं पता 26 नवंबर मनाते हैं। 26 नवंबर के दिन हमारा जो संविधान था वो उसके रिकॉर्डिंग वो पास हुआ था कि ये आगे अप्लीकेबल होगा। मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। क्या आपको पता है कि हमारा मूल संविधान हस्तलिखित है, यानी हाथ से लिखा गया है। ये किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक शैली में लिखा था। 1901 को दिल्ली में पैदा हुए रायजादा को पूरे संविधान को लिखने में लंबा समय लगा था, जिसे इन्होंने बगैर किसी गलती के पूरा किया था। रायजादा को जब संविधान लिखने के लिए चुना गया तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से साफ कहा था कि वो संविधान लिखने के लिए एक भी पैसा फीस के तौर पर नहीं लेंगे, पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा। संविधान सारी अप्रूवल हो गई, संविधान पास हो गया, अब प्रति आई कि एक इसकी मूल प्रति बने, एक ऐसी मैनुस्क्रिप्ट जो हमारे देश की एक आत्मा बन जाए और वो हॉरोस्कोप हो, तो वो संविधान हाथ से लिखने के लिए श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी को लिखा गया था, जो जमाने के बेस्ट कैलीग्राफर थे, हाथ से उनकी बेस्ट हैंडराइटिंग थी। फिलहाल रायजादा की ये इच्छा मान ली गई और इस काम में उन्होंने 250 से ज्यादा पेन होल्डरों के निब का इस्तेमाल किया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी को यहाँ रूम नंबर 204 भारत सरकार द्वारा दिया गया, यहाँ बैठ के उन्होंने लिखा। पहले 2 महीने का समय दिया था कि शायद 2 महीने में पूरा हो जाए, लेकिन इतना लंबा काम था, एक एक को होल्डर और निब से लिखना था, तो यहाँ पे 204 नंबर कमरे में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पत्र है जो राष्ट्रपति भवन से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी को दिया गया, वो इसी एड्रेस पे आया था, 204 कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। ये उस समय इस जगह का पता हुआ करता था। जी, और उसमें बात थी कि जब रायजादा जी ने ये पूरा लिख लिया
तो उनसे कहा गया कि लोकसभा अध्यक्ष हमारे प्रथम हैं, इनको समर्पित कर रहे हैं, इनके हाथ में दे दें। वो बोले नहीं, ये मैं अपने संविधान पीठ के जो अध्यक्ष रहे हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अब राष्ट्रपति भी हैं तो संविधान के प्रमुख रक्षक वो हैं, ये उनके हाथ में दिया जाएगा। संविधान की इस मूल लिपि पर हुए इन शानदार अलंकरण को देखें, इनके हर स्ट्रोक्स में आपको शांति निकेतन की छाप नजर आएगी। इन्हें उकेरा था मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस और बेहोर राम मनिहार सिन्हा ने। इन पन्नों पर भारतीय इतिहास से जुड़े तमाम अनुभव, लक्ष्य और आदर्श रेखांकित हैं। इस कालजयी दस्तावेज पर महात्मा गांधी को छोड़कर उन कई नेताओं के दस्तखत भी देखने को मिलेंगे जो इसे लागू देखने के लिए जीवित नहीं रहे। संविधान को सबसे पहले देहरादून में प्रकाशित किया गया था। इसका फोटोलिथोग्राफ सर्वेक्षण विभाग ने किया था। संविधान की पहली लिखावट हिंदी और अंग्रेजी में थी। इसके अंग्रेजी संस्करण में 117,369 शब्द हैं, जिनमें 22 भागों में 444 लेख, 12 अनुसूचियां और 115 संशोधन हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसमें एक प्रियम्बल है जिसमें 22 भाग, 448 लेख, 12 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट और 115 संशोधन हैं। संविधान बनाने वाली सभा के हर सदस्य ने दो प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, एक हिंदी में और दूसरा अंग्रेजी में। ये सदस्य 308 थे और सिग्नेचर 606। वैसा ऐसा क्यों और कब लगा कि भारत को संविधान की जरूरत है? वैसे तो आप भी मानते ही हैं कि किसी भी व्यवस्था को चलाने और चाक चौबंद रखने के लिए कुछ नियम कायदे जरूरी होते हैं, अनुशासन जरूरी होता है। तो गुणीजनों ने क्या सोचा होगा और बात कहां से शुरू हुई थी? From this, the 26th day of January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic, and the Union and its component parts, the states, shall exercise all powers and functions of government and administration in accordance with the provisions of the said constitution. उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में गुलामी का दंश सह रहे भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का हिस्सा बनने की मांग की थी, जिससे अत्याचार और उत्पीड़न का अंत किया जा सके। इसके लिए उचित माहौल बन सके, इसलिए पहले विश्वयुद्ध में भारत ने ब्रिटेन का समर्थन किया था। बदले में ब्रिटिश संसद भारत सरकार अधिनियम 1919 लाई थी, जिसे उसी बरस 23 दिसंबर को शाही मंजूरी मिली थी। इस अधिनियम का असर ये रहा कि देश के कुछ बड़े प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली लागू हुई। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और स्थानीय सरकार जैसे विषयों को भारतीय मंत्रियों के एक समूह को सौंप दिया गया था, जो प्रांतीय परिषद यानी प्रोविंशियल काउंसिल को रिपोर्ट किया करते थे। हालांकि सैन्य, रक्षा, विदेशी मामले और संचार वॉयसराय के सीधे नियंत्रण में ही रहे। ब्रिटिश हुकूमत ने यह भी वायदा किया था कि इस अधिनियम की समीक्षा एक विशेष आयोग द्वारा 10 वर्षों बाद की जाएगी। इसी वायदे ने आने वाले वक्त में साइमन कमीशन की जमीन तैयार की, जो 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने संवैधानिक सुधारों को देखा और भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा की। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में दो संस्करणों में प्रकाशित हुई, पर संवैधानिक गतिरोध के चलते इसे अंतिम नहीं कहा गया। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सत्र आयोजित किए गए, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इनमें कई भारतीय समुदायों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। ब्रिटिश हुकूमत ने इन सत्रों के आउटपुट के आधार पर व्हाइट पेपर्स यानी श्वेत पत्र जारी किए।
इन व्हाइट पेपर्स पर काम करने के लिए एक समिति बनी, जिसमें ब्रिटिश भारत के 20 प्रतिनिधि और 7 भारतीयों ने अप्रैल 1933 से दिसंबर 1934 तक काम किया और उस बरस के अंत तक ब्रिटिश संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी। फरवरी 1935 में एक विधेयक पारित किया गया, जिसे 24 जुलाई 1935 को शाही मंजूरी मिली। यह आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 1935 को लागू हुआ। हम इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, हमारे जो संविधान का स्ट्रक्चरल बेस जो है वो वही है, और वो तो एक फाउंडेशन बन गया, तो उसके ऊपर जो मकान खड़ा किया है वो और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कई चीज़ें हमने ली हैं। पर आज़ादी की आहट के साथ साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच तल्खियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि बुनियादी मुद्दों पर समझौते की गुंजाइश तक नहीं रही थी। वैसे 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेसी नेताओं ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में यह तय हुआ था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए। ये दोनों दस्तावेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में सभी पार्टियों की सहमति से संविधान का एक प्रारूप तैयार भी कर लिया था। पर तब तक भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की निर्भीकता ने अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का सपना चूर चूर कर दिया था। उन्हीं दिनों इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल की भी चुनाव में हार हो गई थी। नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने सिद्धांततः भारत को आजाद करने की बात मान ली थी। इतिहासकार एक और तथ्य साझा करते हैं, ब्रिटिश भारत में 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों के चुनाव हुए थे। हालांकि ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थीं, लेकिन विधायी संस्थानों के कामकाज में ये भारतीयों को खासा अनुभव दे गईं। इसका फायदा हमें स्वयं के संस्थानों को स्थापित करने और चलाने में मिला। यही वजह रही कि भारतीय संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 जैसे औपनिवेशिक कानूनों से भी काफी कुछ लिया। फिलहाल लॉर्ड वेवल 1943 में भारत के नए वायसराय बनते हैं। जून 1945 में वो संवैधानिक गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रस्तावों की घोषणा करते हैं। तारीख में इसे वेवल प्लान या वेवल योजना कहा गया। गतिरोध इसलिए था क्योंकि कांग्रेस अखंड भारत चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग भारत का विभाजन चाहती थी। 25 जून 1945 को लॉर्ड वेवल महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना सहित 21 राजनीतिक नेताओं को शिमला आमंत्रित करते हैं। सम्मेलन विफल होता है क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने मतभेदों को नहीं सुलझा पाते हैं। इस तरह वेवल प्लान भी खत्म हो जाता है। दूसरी ओर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में नई लेबर सरकार सत्ता में आती है। ये सरकार बिना देर किए भारत को आजाद रखने का इरादा रखती थी और उस उद्देश्य के साथ कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन का मकसद भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए तरीकों और साधनों का पता लगाना था। एक संविधान बनाने वाली मशीनरी के गठन का सुझाव देना था और अंतरिम सरकार की स्थापना करना था, और इस तरह से प्रस्तावित संविधान सभा अस्तित्व में आती है। इसमें ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य और भारतीय रियासतों से 93 सदस्य शामिल थे। संविधान सभा 16 जून 1946 को पहली बार मिलती है। अप्रैल 1947 के अंत तक दूसरी सभा की बैठक होती है। 3 जून 1947 को बंगाल और पंजाब का विभाजन होता है।
14 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को प्रस्तुत किया जाता है, जिसका सारी संविधान सभा समर्थन करती है। तो अब तक हमने बात की कि क्यों संविधान जरूरी था। चलिए एक नजर डालते हैं अब अपने संविधान की चुनिंदा खासियतों पर। जान लीजिए कि पिछले 70 वर्षों में इसने तमाम झंझावात झेले हैं और उन्हें फतेह किया है। दुनिया में एक सशक्त पहचान बनाई है। और हां, इसे गढ़ने में 2 बरस 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। दुनिया के अधिकांश संविधान लिखे गए हैं। पहला आधुनिक लिखित संविधान अमेरिका का था। दूसरी ओर ब्रिटिश संविधान अलिखित हैं। इसमें रीति रिवाज शामिल हैं। इसकी बढ़ोतरी में रीति रिवाज और रवायतें शामिल हैं। भारत में हमारे पास एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने हर मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट लिखी है। आइए अब जानते हैं अपने संविधान की कुछ खासियतों को। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। मूल रूप से इसमें 395 लेख और 8 अनुसूचियां थीं। 1950 के बाद कुछ आर्टिकल हटा दिए गए हैं, लेकिन संशोधनों के माध्यम से कई नए आर्टिकल जोड़े भी गए हैं। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी। संविधान का कठोर या लचीला होना संशोधन की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि संवैधानिक कानूनों और सामान्य कानूनों में अलग अलग तरीकों से संशोधन किया जाता है तो ये एक कठोर संविधान है। इसके विपरीत एक लचीले संविधान में संवैधानिक कानूनों और सामान्य कानूनों में उसी तरह संशोधन किया जाता है। The amendments, that is why it provides the necessary vents, you know, when some part of the population feels aggrieved about something or issues like that arise. That is how the amendments have come about. Also, amendments have come about because of certain judicial pronouncements. Also, amendments have come about because law is never static. Law is never static. You look at an issue after 20 years and you feel, oh, this ought to be in the constitution or we need to reword this. A dynamic society, a live, progressive, dynamic democracy. This is quite natural in such a context. And also, as I said, our diversity. So, with these amendments, you have only fortified the constitution. You have also fortified the commitment of the people of India to a united, strong India and to a constitution which binds all of them. That respect for the constitution is there because it provides for all of us. It takes care of all of us. भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। निचले सदन यानी लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है। परिषद के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होता है। हालांकि भारत का संविधान विस्तृत है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मौन भी है। ऐसे मौकों पर स्थापित संसदीय रवायतों या परिपाटी पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत एक महासंघ है। इसके तत्व भारतीय संविधान में मौजूद हैं। इसमें लिखित संविधान है, दोहरी राजनीतिक प्रणाली है, केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच संवैधानिक विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये सभी प्रावधान भारत को एक महासंघ बनाते हैं। मौलिक अधिकारों की गारंटी हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को दी गई है। इन्हें संविधान के पाठ 3 में शामिल किया गया है। ये अधिकार व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं। इन अधिकारों को आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। इन्हें लागू करना सरकार का कर्तव्य है। हमारे संविधान में मूल रूप से 20 सिद्धांत थे। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 और जोड़े गए।
आज कुल मिलाकर 23 सिद्धांत हैं। When our constitution makers got down to finalizing our constitution in the final stages in 1949, there were many issues. There were some which they thought, some argued should come within the ambit of fundamental rights. Then the overall opinion was that many of these things ought to be classified differently. So they came to be classified as directive principles of state policy. The thing about this directive principles of state policy is that whatever is listed there is very fundamental to governance. That is the importance of that. They are not under the category of fundamental rights, so they are not enforceable in that sense. But they have a great moral influence. भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, इसके मध्य में उच्च न्यायालय और फिर निचली अदालतें हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतदान की आयु अब 18 बरस हो गई है, पहले ये 21 बरस थी। यह खासियत भारतीय लोकतंत्र के सबसे क्रांतिकारी पहलुओं में से एक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। 42वें संशोधन अधिनियम ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में शामिल किया, लेकिन भारत स्वतंत्रता के बाद से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है। भारत में कोई राज्य धर्म नहीं है। हमारा संविधान ना किसी भी धर्म का संरक्षण करता है और ना ही किसी धर्म के साथ भेदभाव। भारत में केवल एक ही नागरिकता है। एक भारतीय केवल भारत का नागरिक है। एकल नागरिकता का मतलब राष्ट्रीय एकता और अखंडता है। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के भाग 4 में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जिनमें संविधान का पालन करना, आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना। हमारा संविधान एक कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य रखता है। यह उन महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थितियों में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं। हमारे संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया गया है और इन मूल्यों को साकार करने के लिए कई लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना भी की गई है। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासी निकाय लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करते हैं और ग्राम पंचायतों से संसद तक के सभी चुनाव लोकतांत्रिक तरीकों से होते हैं। हमारे संविधान का डायनेमिक होना इसकी बड़ी ताकत रही है। मतलब ये कि ये समय के साथ बदलकर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है। हालांकि संविधान में संशोधन एक कठिन मामला है। संशोधन या नए बिल को कानून का जामा पहनाने में आम सहमति की परंपरा रही है हमारे यहाँ। फिर भी भारत का संविधान दुनिया में सबसे अधिक संशोधित दस्तावेजों में से एक है। और हाँ, इसमें देश दुनिया के तमाम संविधानों की खूबियाँ समाहित हैं, जो हमारी संविधान सभा के सदस्यों की खुली सोच को प्रतिबिंबित करता है। यकीनन ऐसा करना एक अच्छा फैसला था। तो चलिए अब देखते हैं कि किस संविधान से हमने क्या लिया था। और आइए अब देखते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या रहे हैं। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे हमने संघीय योजना, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल की संस्था और न्यायपालिका की अवधारणा ली। ब्रिटिश संविधान से हमने सरकार का संसदीय स्वरूप, विधायी अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का सर्वोच्च होना, एकल नागरिकता का सिद्धांत। आयरिश संविधान से राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, राज्यसभा सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया। फ्रांसीसी संविधान से प्रीएम्बल में स्वतंत्रता,
समानता और बंधुत्व के आदर्श। अमेरिकी संविधान से सरकार की संघीय संरचना, कानून के तहत समान सुरक्षा, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, इलेक्टोरल कॉलेज, स्वतंत्र न्यायपालिका, सरकार की तीन संस्थाओं में शक्तियों का बंटवारा, प्रीएम्बल और सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्य और विकास की निगरानी के लिए योजना आयोग की स्थापना। कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। रेसिड्यूअल पावर्स का केंद्र सरकार के पास होना। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियां केंद्र के पास होना और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास और समवर्ती सूची। और अंत में जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली। आजादी की लड़ाई लंबी चली थी और आजादी के मतवालों को भीषण हिंसा, शोषण, प्रतिरोध, अपमान और ना जाने क्या क्या सहना पड़ा था। जलियांवाला बाग कांड क्या एक आम हिंदुस्तानी कभी भूल सकता है? इन्हीं कड़वे अनुभवों ने नागरिक अधिकारों के प्रति देश में चेतना जगाई और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ चले जन आंदोलनों में इस मुद्दे ने भी अहम भूमिका निभाई थी। वैसे औपचारिक तौर पर मोतीलाल नेहरू कमेटी ने 1928 में जन अधिकारों पर बिल की मांग की थी। फिर आजाद भारत में जब संविधान बनाने की कवायद चली तो स्वाभाविक था कि जन अधिकारों के समावेश और उनके संरक्षण पर सबकी सहमति थी। तो उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया और उनके संरक्षण की खास व्यवस्था की गई, उन्हें मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया गया। मौलिक अधिकारों को बचाने की शक्तियां और जिम्मेदारी न्यायपालिका को सौंपी गई। इसके तहत कार्यपालिका के साथ साथ उन विधायी कार्यों को न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है अगर ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या अनुचित तरीके से प्रतिबंधित करते हैं। ये मौलिक अधिकार संविधान के पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक में मौजूद हैं। इन अधिकारों में आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 32 से 35 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। और चलते चलते देखते हैं कि कैसे मूल हस्तलिखित संविधान को सुरक्षित रखा जा रहा है। ये स्टार्ट हुआ 1980 से, जब ये मालूम पड़ा कि ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो हिंदी रिटन है, इंग्लिश में है और हिंदी रिटन जो दो वॉल्यूम्स हैं, इसमें हल्की सी डिविडेशन स्टार्ट हुई है। और जैसे आपको पता है कि जो पेपर होते हैं वो डिविडेशन होते हैं मॉइस्चर से, माइक्रोब से, पोल्यूशन से। तो तब 1980 में जो यहाँ की लाइब्रेरी की जो लीडर थे उस टाइम पे, उन्होंने एनपीएल डायरेक्टर जो उस टाइम थे उनसे डिस्कस किया कि क्या हम इसको प्रिजर्वेशन के लिए कोई बॉक्सेस बना सकते हैं। तो एनपीएल ने सोचा कि ये बहुत आसान काम है, एक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर दो कॉन्स्टिट्यूशन रख देंगे और नाइट्रोजन गैस पास कर देंगे और ये हो जाएगा। लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है वो लीक हो जाती है टाइम के साथ, तो जो आप ग्लास बॉक्स देख रहे हैं उसके अंदर एक सीलेंट है जो अंदर की नाइट्रोजन को बाहर नहीं आने देती और बाहर की पोल्यूशन को अंदर नहीं जाने देती। तो साइंटिफिकली ये देखा गया कि बहुत बड़ी चैलेंज है। तो ये प्रोविजन जो था कि ऐसी सील बनाई जाए कि जो नाइट्रोजन गैस आपने अंदर भरी है वो बाहर ना आ पाए, तब एक सेट ऑफ साइंटिस्ट फ्रांस गए थे। जैसे आपको पता है कि
जो पेरिस है वो म्यूजियम्स की कैपिटल है, उसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं जिनको प्रिजर्व किया गया है। और जो ग्लास बनाने वाली कंपनी है सेंट गोविन, उनकी साइंटिस्ट में बात करी गई, तो ये देखा गया है कि जो मेटल फ्रेम है और जो ग्लास है उसके बीच में जो सील है जो गैस को अंदर बाहर नहीं जाने देती, वो आसान नहीं है बनाना। तो तब फ्रांस के लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि NPL को गैटी जो अमेरिका की कंपनी है उससे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो मिस्र के जो ममीज हैं उनको प्रिजर्व किया हुआ है, तो देखने में एकदम ऐसे ही लगता है कि अंदर ममीज और बाहर से ग्लास बॉक्सेस हैं, लेकिन जो ममीज अगेन उसमें कोटिंग लगी है। तो ये प्रोविजन जो था कि ऐसी सील बनाई जाए कि जो नाइट्रोजन गैस आपने अंदर भरी है वो बाहर ना आ पाए, वो उनमें भी नहीं था जो ममीज के लिए जो बॉक्सेस बनाए थे। फिर NPL इंडिया ने और गैटी अमेरिका ने एक MOU साइन किया जिसमें कि हमने 3 बॉक्सेस बनाने की कोशिश करी, तो दोनों तरह के साइंटिस्ट लोग मिले और जो सीलेंट था उसकी डिस्कवरी हुई। तो 3 बॉक्स बनाए गए, अनफॉर्चुनेटली उसमें काम नहीं आया, लेकिन 2 जो बॉक्सेस थे वो सही बन के आए और 2 बॉक्सेस को यहाँ पे रखा गया जो आप देख रहे हैं अभी। इन बॉक्सेस के अंदर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन रखे, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी गई, अंदर प्रेशर और टेम्परेचर सेंसर रखा गया, सो दैट कि जो नाइट्रोजन है, आपको पता है कि नाइट्रोजन पेपर को सेफ रखती है, ऑक्सीजन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, डस्ट पार्टिकल नहीं है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए जिंदगी भर के लिए, जब तक ये बॉक्सेस सेफ रहेंगे तब तक कॉन्स्टिट्यूशन सेफ है। भारत का संविधान बनना कोई मामूली काम कतई नहीं था, इसे मुद्दतों और बरसों चले नाम अनाम संघर्षों का निचोड़ कहा जा सकता है। इसकी इबारत हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से लिखी थी, जिसका मकसद था गुलामी से मुक्ति, स्वराज और एक ऐसी व्यवस्था जो ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी आने वाली हर पीढ़ी को ससम्मान रोटी दे सके, रोजी कमाने के मौके दे सके और देश तथा दुनिया में भारत की समृद्धि और शांति की पताका को फहरा सके। हमारा संविधान उस पर खींची हर लकीर, हर शब्द उनकी इन्हीं भावना को इंगित करता है। बहरहाल कहानी और किस्से तो तमाम थे, पर वक्त इतना ही था। तो आज से जब भी देखिएगा अपने संविधान को, तो अपने पुरखों के संघर्ष और बलिदान को शिद्दत से महसूस करिएगा। जॉन मैक्सवेल एडवर्ड्स की ये लाइन्स उनकी इन अमूर्त भावनाओं को बड़ी सुंदरता से इंगित करती हैं। When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today.